सभी को सुप्रभात। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण में जो पत्र लेखन है, जो कि हमारे रचनात्मक लेखन का एक भाग है, उसे हम समझेंगे। कल हमने औपचारिक पत्र जान लिया था, ठीक है। आज हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जान लेते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या है, किसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, औपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं वे हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाते हैं जिनको हम नहीं जानते, जो जो किसी सरकारी या गैर सरकारी पद पर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जो हमारे सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, हमारा कोई संबंध है। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख दुख, हर्ष उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय है, वह हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, तो जो भाषा है, पत्र की भाषा भी एक आत्मीय है, वह हृदय को स्पर्श करने वाली होती है, ठीक है। जैसे कि आप किसी बड़े भाई को लिख रहे हैं, अपनी माता जी को लिख रहे हैं, तो उस तरीके से पत्र जो है आप किसी अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब चल लेते हैं इसके प्रारूप के बारे में, एक बार जान लेते हैं कि कैसे इसका क्या प्रारूप है। जैसा कि पहले आपको बताया गया था, मैंने औपचारिक पत्र का प्रारूप बताया था, आज वैसे ही अनौपचारिक पत्र के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले ऊपर आप लेफ्ट साइड पर पत्र भेजने वाले का पता, आप भेज रहे, जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना ऊपर पता लिख दूंगी, पत्र भेजने वाले का पता आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप तब भी परीक्षा भवन लिख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा भवन लिखने के बाद आप नीचे दिनांक डाल दीजिए, जो भी डेट डालना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही अगर कहीं पत्रों में क्या होता है कि जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका एड्रेस वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो आप एड्रेस भी डाल सकते हैं। अगर आपने लिख दिया ऊपर, सबसे पहले लिख दिया परीक्षा भवन, जैसे मैं पत्र भेज रही हूँ, तो पहले मैं अपना एड्रेस चाहे तो मैं लिख सकती हूँ, ऊपर लिख दूंगी परीक्षा भवन दिनांक, और नीचे आ जाएगा जिसको पत्र भेज रही हूँ उसका एड्रेस, ठीक है, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आएगा संबोधन। सबसे पहले संबोधन बता दूं, संबोधन क्या है, जब आप किसको संबोधित करके पत्र लिख रहे हैं, अगर जैसे आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके साथ आपका संबंध, यदि वो आपके अपने से बड़े संबंधी है, जैसे माता पिता है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, शिक्षक है, इत्यादि है, ठीक है। और अगर अपने से छोटे हैं तो छोटा भाई होगा, छोटी बहन होगी, पुत्र होगा, पुत्री होगी, भतीजा होगा, भतीजी होगी, या फिर अपने अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, मित्र है, सहपाठी है, विदेशी पत्र मित्र है, कोई विदेश का कोई आपका मित्र वगैरह है, परिचित पुरुष है कोई, अपरिचित महिला है, ठीक है। अपरिचित, जैसे किसी का फोन वगैरह चोरी हो गया था और एकदम से आपको मिल गया, तो अपरिचित है, आप उसको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, कि आपका फोन मुझे यहाँ मिला है और आके आप अपना फोन ले जाइए। अब संबोधन, हम उन्हें किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, अगर बड़े हैं तो पूजनीय जी, पूजनीय बोलेंगे, जैसे माता जी है तो, और पिताजी है तो पूज्य बोलेंगे, ठीक है। पूज्य कहते हैं पुरुष को और पूजनीय कहते हैं माता जी को, पूज्य पिताजी ऐसे भी लिखते हैं ना जब पत्र में संबोधन के तौर पर। आदरणीय, अगर और भी बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय माता बहन, ये सब। और छोटे हैं तो चिरंजीवी, प्रिय, केवल नाम भी लिख सकते हैं अगर छोटे हैं तो, प्रिय, और मित्र वगैरह है तो मित्र का तो आप नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राम, प्रिय लगा के लिख देते ना, प्रिय मित्र राम, प्रिय मित्र, ठीक है। और थोड़े से और किसी को रिस्पेक्टफुली आप बात और करना चाहते हैं तो महाशय, जिन्हें आप नहीं जानते, अपरिचित है तो महाशय, श्रीमान, महोदय जी, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते, अपरिचित है, उनसे आपका कोई परिचय नहीं है, ठीक है, महाशय, श्रीमती, महोदय, इस तरीके से संबोधन में आपके नाम आएंगे। मैंने जैसे कि बता दिया, अपने से बड़ा है तो पूजनीय, पूज्य आएगा, छोटा है तो चिरंजीवी, प्रिय या केवल नाम भी लिख सकते हैं, मित्र है तो प्रिय मित्र लिख सकते हैं, ठीक है। अभिवादन, इसके बाद क्या करेंगे आप, संबोधन हो गया आपका, उसके बाद आप एक दो तीन पैराग्राफ तक, सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के आप अपनी बात बता सकते हैं कि हम सब यहाँ कुशल मंगल से हैं और आशा करते हैं आप भी कुशल मंगल होंगे, इस तरीके से आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे कुछ दो तीन लाइनों में फिनिश करने के बाद फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आप, एक लाइन छोड़ के, फिर उस दूसरे पैराग्राफ को लिखने के बाद फिर तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो ये तीन पैरे में आप लिख सकते हैं, पहला पैरा, दूसरा पैरा और तीसरा। पत्र में जो कुछ लिखना हो वह इस जगह लिखा जाएगा, मतलब पहले पैरे में स्टार्टिंग करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं पैरे में, कम से कम तीन से चार लाइन स्टार्टिंग वाले पैरे में होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसे ही दो तीन पहरे आप लिख सकते हैं, तीन से ज्यादा पहरे ना लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अभी, हाँ सॉरी, संबोधन के बाद एक बार आपका आ जाएगा अभिवादन, कि अगर बड़े हैं तो आप चरण स्पर्श करेंगे, ठीक है, सादर प्रणाम भी कर सकते हैं, और अगर आपसे छोटे हैं तो प्रसन्न रहो या शुभ शीश्वर, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, प्रसन्न रहो, ऐसे भी छोटे बच्चों को कुछ भी बोल सकते हैं अगर छोटा है आपसे तो। मित्र है तो साप प्रेम, नमस्कार, नमस्ते, ठीक है। विदेश और बाकी विदेशी अपरिचित परिचित जो भी है, नमस्ते या नमस्कार, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो अभिवादन है, जैसे हम बड़ों के लिए चरण स्पर्श सादर प्रणाम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने तीन पैराग्राफ लिख लिए, उसके बाद लास्ट में आ जाएंगे अब अभिनिवेदन। अभिनिवेदन में आपका आ जाएगा कि अगर आपसे बड़े हैं तो आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, आपका प्यारा पुत्र, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। छोटा है तो शुभाकांक्षी, हितैषी, आपका हितैषी, ऐसे करके लिख सकते हैं। और अगर आपका मित्र है तो तुम्हारा मित्र राम, या जो भी है तुम्हारा मित्र, ऐसे करके। और विदेशी अगर कोई मित्र है तो आपका आपका मित्र, ऐसे करके। और अपरिचित तो भवदीय लिखेंगे, क्योंकि हम अपरिचित के साथ भवदीय, ठीक है। और इस या हितैषी, आपका हित के बारे में सोचने वाला, ठीक है, तो हितैषी भी लिख सकते हैं। और लास्ट में एक लाइन छोड़कर पत्र भेजने वाले का नाम आ जाएगा, आप अपना नाम भेज देंगे, आपका पता और आपका मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेट का आपको बता दिया मैंने कि डेट ऊपर ही डाल दीजिएगा, जब परीक्षा भवन लिखते हैं तब आप वहां पे डेट डाल दीजिएगा। तो इतना समझ आया आपको? एक सेकेंड, इतना क्लियर है यस मैम, जो मैंने बोला? सबसे यस पहले, मैम, आप अगर अपना एड्रेस नहीं लिखना चाहते ऊपर तो परीक्षा भवन लिखेंगे, फिर आप डेट डाल दीजिए, फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख दीजिए, उसे संबोधन कीजिए, अगर आपकी कोई माता है तो पूजनीय माता जी, ऐसे करके लिख दीजिए। उसके बाद जब आप संबोधित कर देंगे तो उसके बाद अभिवादन करेंगे, उनका चरण स्पर्श सादर प्रणाम, ऐसे करके आप लिख अभिवादन करेंगे। उसके बाद तीन पैराग्राफ में आप अपनी बात लिखेंगे, अगर अनौपचारिक पत्र आएगा तो तीन पैराग्राफ में। लेकिन औपचारिक पत्र में दो पैरा ही बनेंगे, पहला वो जिसे आप अपनी परेशानी बता रहे हो, दूसरा आप निवेदन करते हुए, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। इस तरीके से आप औपचारिक पत्र में दो पैराग्राफ बनाएंगे, लेकिन अनौपचारिक में आप तीन बना सकते हैं, तीन पैराग्राफ अपनी बात रख सकते हैं। जब ये बात रख देंगे तो अभी निवेदन करेंगे कि मैं आपका प्यारा, आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, या आपका प्यारा पुत्र, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सबके लिए अलग अलग है, छोटा है तो हितैषी लिख सकते हैं, शुभाकांक्षी लिख सकते हैं, मित्र है तो तुम्हारा प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी निवेदन के अपने अपने शब्द हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, कि कौन से पर्सन से आप बात कर रहे हैं। तो इतना क्लियर है, फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। आज ये सारा फोन थोड़ा सा, इतना क्लियर है? ठीक यस मैम, है, तो अभी आपके पास 10 मिनट है, और 10 मिनट में एक पत्र आप लिखिए और लिख के दिखाइए, जो मैंने अनौपचारिक पत्र अभी आपको समझाया है। चलिए फटाफट से उतारिए, प्रश्न लिखिए फटाफट, 10 मिनट का काम है ये, और जिस फॉर्मेट में बोला है उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। हम कौन सा, औपचारिक या अनौपचारिक? अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक, जो मैंने अभी समझाया है। अच्छा, परीक्षा का महत्व बताते हुए सुन लीजिए, परिश्रम का महत्व बताते हुए, परिश्रम बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए, परिश्रम का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए, परिश्रम का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। मैम ये रफ कॉपी में कर लेना, टेस्ट कॉपी। परिश्रम का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए, 10 मिनट में आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए, हर्षिता यस मैम, स्टॉप कर दो बेटा।